हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हो टेक्निकल DMD। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से वायरस को किस तरीके से निकाल सकते हो। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से वायरस को अपने मोबाइल फ़ोन में आने से रोक सकते हो। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखते रहना क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यार चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी दबा देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में वायरस कैसे आते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से रिमूव कर सकते हो। दोस्तों जब भी आप लोग इंटरनेट पर किसी ऐसी वेबसाइट को विजिट करते हो जहां पर HTTPS नहीं लगा होता है बल्कि HTTP होता है, तो दोस्तों उस वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है वो कम होती है। उस वेबसाइट पर आप लोगों के जो मोबाइल फ़ोन है उसमें वायरस आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग किसी भी वेबसाइट को देख कर विजिट किया करो, उसके बाद दोस्तों आप लोग किसी ऐसी वेबसाइट पर जाते हो जैसे कि पोर्न वेबसाइट होती हैं, मोस्टली दोस्तों वहीं पर आप लोग को पॉपअप ऐड देखने को मिल जाती हैं और आपसे बोला जाता है आपके मोबाइल फ़ोन में वायरस आ गया है, डाउनलोड कर लो, आपका मोबाइल फ़ोन हैंग होने वाला है। इस तरीके से बहुत सारी पॉपअप ऐड्स देखने को मिल जाती हैं। तो बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है ये जो एड्स हैं आपके मोबाइल से डेटा को चुराने के लिए दिखाई जा रही हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए या फिर आपको भ्रमित करने के लिए दिखाई जा रही हैं। तो आप लोग वहाँ पर डाउनलोड नाउ पर या फिर इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और आपके मोबाइल फ़ोन में वो जो डेटा है या फिर बोला कि जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आपके मोबाइल फोन से वो डेटा को उड़ा के ले जाता है। तो इस तरीके से आपके मोबाइल फोन में भी वायरस आते हैं और आपका डेटा चोरी हो जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों आप लोग बहुत से काम ऐसे करते हो कि कोई ऐसा फाइल होता है जो कि प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलता है, जो फाइल होता है जैसे कि दोस्तों आजकल आप लोगों ने देखा होगा पबजी के आपको हैकिंग के बहुत सारे ऐसे जो वीडियोज हैं वो देखने को मिल जाते हैं जिनमें दोस्तों आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती है। तो आप लोग इस तरीके से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यूज कर लेते हो उसके बाद भी दोस्तों आपके मोबाइल फोन में जो वायरस है वो आ जाता है। तो आप लोगों को इस तरीके से थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। यही दोस्तों मेन रीजन होता है जिसके द्वारा आपके मोबाइल फोन में वायरस आता है। उसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है, आपके पास कोई एप्लीकेशन नहीं होता है या फिर कोई ऐसा पेड एप्लीकेशन होता है जो आपका फ्रेंड यूज कर रहा होता है, उसके पास उसका फ्री वाला वर्जन होता है, तो आप लोग किसी भी ऐसे शेयर मी से जैसे शेयर मी से ले लेते थे पहले, अभी फाइल्स पर गूगल से ले लेते हैं, तो आप लोग ले लेते हो उस एप्लीकेशन को। तो उस एप्लीकेशन में अगर वायरस होगा तो वो भी आपके मोबाइल फोन में आ जाएगा, जिसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है वो उड़ा के ले जाएगा। तो ये भी एक रीजन बन जाता है जिससे दोस्तों आप लोगों के मोबाइल फोन में वायरस आ जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों एक रीजन ये होता है कि दोस्तों आपका जो मोबाइल फोन है उसमें दोस्तों आप लोग किसी ऐसे ब्राउजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो जो सिक्योर हो, सेफ हो, तो आप लोग क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ है। और दोस्तों इसमें आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पर सेटिंग करनी है जिससे दोस्तों आप लोगों के मोबाइल फोन में वायरस ना आए, मैं क्रोम ब्राउजर की सेटिंग को आप लोगों को बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर तीन लाइन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेफ ब्राउजिंग का, सिंपली से आपको सेफ ब्राउजिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इसे टिक कर देना है। तो दोस्तों आप लोग की जो सेफ ब्राउजिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो ब्राउजर है वो पहले ही बताया जाएगा कि ये जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, तो आप लोग इस पर विजिट ना करो। उसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग बैक करोगे तो नीचे की साइड में यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साइट सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे पॉपअप एंड एस्टिकेट्स, इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है और ये जो इनेबल होगा आपको इसे डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है और एड्स के ऑप्शन पर देखने को मिल जाएगा, तो इसे भी आप लोग अलाउ से डिसअलाउ कर दीजिए। तो जैसे दोस्तों आप लोग इस तरीके की मिसलीडिंग एड्स और जो पॉपअप एड्स हैं उनको ब्लॉक कर दोगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से इस ब्राउजर पर सिक्योर हो जाते हो और आप लोग को यहाँ पर जो मोबाइल फोन है उसमें वायरस आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे वो चांसेस जिनके द्वारा आपके मोबाइल फ़ोन में वायरस आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से वायरस को रिमूव करना है। दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को वायरस से रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो इंस्टॉल हो जाती हैं लेकिन बाद में आप लोगों ने बार बार अनइंस्टॉल करते हो और वो अनइंस्टॉल नहीं होती हैं। तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में सेफ मोड को ऑन करने के बाद उसको दोस्तों यहाँ पर अगर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करोगे तो बहुत ही आसानी से अनइंस्टॉल हो जाती हैं, आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप लोग बहुत ही आसानी से अनइंस्टॉल कर दोगे। उसके बाद दोस्तों दूसरे तरीके की बात करें जिससे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से वायरस को रिमूव कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो, तो दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन का डेटा इरेज कर दीजिए या फिर फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। इससे दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन का जो डेटा है वो पूरा चला जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग बैकअप ले लेना है, यानी एक तरीके से फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए तो आपका मोबाइल फ़ोन नए जैसा हो जाएगा और सारे वायरस सारा डेटा उड़ जाएगा जिससे दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन से वायरस रिमूव हो जाएगा।
दोस्तों बात करें अगले तरीके के बारे में, तो दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल फोन में ये पता लगा सकते हो कि किस एप्लीकेशन में वायरस है या फिर स्पाई है, तो आप लोग आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर से स्पाईवेयर डिटेक्टर नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद जैसे ही आप लोग इस पर रन करोगे तो आपके मोबाइल फोन अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन होगा जिसमें स्पाई या फिर वायरस होगा तो वो बहुत ही आसानी से बता देगा। उसके बाद आप लोग उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना। तो इस माध्यम से भी आप लोग पता लगा सकते हो, क्योंकि एक नॉर्मल यूजर को इन सभी जानकारी के बारे में पता नहीं रहता है। वो तो केवल एक चलाता रहता है, लेकिन उसको भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो नेटअप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।